So first of all, everybody, very warm welcome to this class. And this class is going to be very different, okay? क्योंकि थीटा हीलिंग है डेफिनेटली, बट इसमें क्योंकि ये मास्टर क्लास है तो जितने भी सीक्रेट्स होते हैं आपके हीलिंग में, ओके, श्योर एपी जी, श्योर. सो ये सारे सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि हीलिंग कोई भी हो, कुछ रूल्स हर हीलिंग में सेम होते हैं. चाहे आप क्रेकी करिए, लामा फेरा करिए, या आप कोई थेरेपी करिए, कुछ रूल्स सब जगह सेम होते हैं. तो वो रूल्स कई बार बहुत सारे लोगों को पता होते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होते, ठीक है. और इंडिया में बहुत सारे मिथ हैं हीलिंग्स को लेकर के, राइट. तो वो सारे जो मिथ हैं वो हम इसमें तोड़ेंगे. सो थीटा हीलिंग डेफिनेटली वी आर गोइंग टू वर्क ऑन आवर डिजीजेस, जो हमारी फ्यूचर में आने वाली डिजीजेस हैं उनके ऊपर हम काम करेंगे. उससे आपको ये भी पता चलेगा कि एक्चुअली हम केवल अपनी नहीं दूसरों की डिजीजेस के बारे में भी उनको पहले से वार्न कर सकते हैं कि अगर आपके ये बिलीव्स हैं तो आपको ये डिजीज हो सकती है. ओके, सो अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत ज्यादा यू नो कंट्रोल फ्रीक है, उसको घर भी ऐसा चाहिए, उसको ये भी ऐसा चाहिए, तो डेफिनेटली उसको अर्थराइटिस होने वाला है. बिकॉज नथिंग इज परफेक्ट, राइट, इन लाइफ नथिंग इज परफेक्ट. We are just trying to get better. Not trying, we are getting better anyway. Because जब हम जन्म लेते हैं तब हम perfect होते हैं, लेकिन हमारी learnings बहुत कम होती हैं, right? हमारी memories बहुत कम होती हैं और learnings भी बहुत कम होती है. तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, we learn how to dance, how to cook, how to read and write, you know. और हम ये भी learn करते हैं कि जब हम school जाते हैं तो हमें बहुत सारे behavioral pattern पता है, कौन कैसे behave कर रहा है, किसके साथ कैसे रहना है, ये सब हम learn करते हैं, right? तो healing का जो main जो work है is not to make you learn something else, okay? आप इस class में कुछ नया learn करने नहीं है. Definitely there will be more awareness, okay? There will be many many patterns of your life which will tell you कि okay, ये problem आपको हो सकती है, right? लेकिन जो आपकी memories है, जो आपने पहले से learn किया हुआ है कि life को ऐसे चलाना चाहिए, वो चीजें आपको unlearn करनी होगी. तो basically healing is not to learn something new, it is to unlearn which you have learned, और जिसके base पे जो आपने foundation बनाई है पहले से कि life ऐसे चलनी चाहिए, वो सारी foundation को हम collapse करेंगे और एक नई foundation बनाएंगे कि अब हमको लाइफ कैसे आगे ले जाना है, करेक्ट. हमारे बहुत सारे बिलीफ ऐसे होते हैं जिनको हम सोचते हैं ये तो ठीक ही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअली कोई चीज अगर दूसरों के लिए ठीक है वो आपके लिए भी ठीक हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, राइट. लेकिन हमको एक्चुअली कैसे पता चलेगा कि भाई क्या राइट है क्या राइट नहीं है, राइट, कौन बताएगा हमको, कैसे हमें पता चलेगा, अगर राइट नहीं भी है तो फिर हम क्या करें. And that is why in theta healing we connect to seventh plane. Okay? जब हम seventh plane पे connect करते हैं तो first of all जिनको intuitions बहुत कम है, आज भी मैं बात कर रही थी तो सबको यही है कि intuitions तो है नहीं, हम कैसे करेंगे. Doesn't matter. अगर आप theta healing में आए हैं, theta healing itself will teach you how to be intuitive enough. So there are different kind of intuitive people. आपको ये पता है कि कितने तरह के intuitive people होते हैं? एनीबडी ट्राई कर सकते हैं. कुछ लोग इंट्यूटिव होते हैं जिन्हें दिखता हाँ. है किसको किसी को देखने में लगता है, विजन होता है, क्लियर विजन, क्लियर वॉइस, हाँ क्लियर वॉइस, देन क्लियर ऑडियंस, किसी को टेस्ट में आता है, किसी को टच जैसा फील होता है, स्मेल. Some people can see the person and can tell you कि अच्छा इस person को ये problem है, okay? So there are very different kind of intuitive. So just don't go कि मुझे दिख नहीं रहा या मैं इनकी तरह से काम नहीं कर सकती हूँ. आप सब लोग अपने आप में unique हैं. You all are very different. No matter कि कितना suffering है आपकी life में, ठीक है, कितने आप बीमार हो, कितनी life situations खराब हैं, आपके relationship खराब है, but still you are very intuitive. ओके, सो यहाँ पे जो जिनको ये है कि भाई अरे मैं कैसे इंट्यूटिव हो सकता हूँ या मैं हो सकती हूँ, क्योंकि मैं मुझे तो कभी इंट्यूशंस आए नहीं, और जो आए भी वो कभी सही नहीं गए. मतलब मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि मेरे जो इंट्यूशंस थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया मेरे लिए. तो डजंट मैटर,
यहाँ पे उन्हीं इंट्यूशंस को हम करेक्ट करेंगे, ओके? उन्हीं इंट्यूशंस को हम कहते हैं ना, उनको वो अच्छे से क्लेंस करके, एनर्जाइज करके आपके इंट्यूशंस को एक डिफरेंट एक रास्ता मिलेगा. सो वो कैसे मिलेगा? जब आप सेवंथ प्लेन पे कनेक्ट होंगे वो तब मिलेगा. सो आज से ही मैं आपको वो रोड मैप दूंगी जिससे आप सेवंथ प्लेन पे कनेक्ट होंगे. आप रोज मेडिटेशन करेंगे. आपको कभी भी कुछ चीज एक्सपेक्ट नहीं करनी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना, उसकी वजह से ही हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि जो हमारा एक्चुअल जो हमें देखना चाहिए वो हम नहीं देख पाते. हम वो देखना चाहते हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली चीजें बहुत डिफरेंट होती है, डिफरेंट देन व्हाट यू थिंक इट शुड बी. बट इट इज वेरी डिफरेंट जब आप सेवंथ प्लेन पे जाएंगे और आप देखेंगे कि अच्छा, मुझे तो ये चीज पता ही नहीं थी मेरे बारे में. इन फैक्ट कि इन दिस क्लास पीपल हु आर इंट्यूटिव और जिनकी इंट्यूशंस पढ़ेंगे वो ये भी देख सकते हैं कि दिल किसी का कैसे धड़क रहा है, ठीक है? यू कैन टॉक टू द ऑर्गन्स कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है. यू कैन टॉक टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी. आपके सारे सेल्स आके आपसे बात करने लगेंगे कि भाई हाँ, हमें ये प्रॉब्लम है, राइट? बहुत सारे मैं ऐसे कमांड्स आपको बताऊंगी जिनको कमांड्स देने के लिए आपको एक्चुअली कमांड्स देना किस तरह से होता है और किस तरह से हमें कमांड्स किसको देनी है किसको नहीं देनी. क्योंकि हमें बहुत सारी हीलिंग्स पता है जिसमें हम जस्ट हीलिंग कर देते हैं, राइट? बस हो गया हीलिंग. बट यहाँ पे क्या वो हीलिंग करना इम्पॉर्टेंट है, क्या ये सही है, ये भी आपको क्रिएटर ही बताएंगे. बिकॉज नो वन नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू और फॉर एनी अदर पर्सन. ओनली क्रिएटर नोज हु मेड दिस वर्ल्ड. द एनर्जी which created everything, all the universes, me, you, this earth, all the planets and everything, okay? So some things you may feel ki acha ye to mere ko pata tha. Some things you will be amazed to know in this class ki ye to hame kabhi sapne mein bhi nahi soch sakte the ki ye aisa hoga, right?